माध्यम आपको मोनोब्लॉक पंप के बारे में, पंप क्या काम करता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे पंप काम करता है, कैसे वैक्यूम करता है, कैसे डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज किसको करना होता है, वैक्यूम किसको करना होता है। वैक्यूम का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, वैक्यूम का मतलब ऐसे करके खींचना, डिस्चार्ज का मतलब होता है छोड़ना। तो इसमें क्या करेगा, ये जो मोटर के अंदर ये लाइन है हमारी इनलेट, इनलेट को बोलते हैं हमें सेक्शन, ये सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन के अंदर लगाया हमने पुश। जो ये फ्लैंज लगी है, इस फ्लैंज के अंदर अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो एक इंची पाइप, अगर पुश में लगाएंगे तो एक इंची पाइप हमने लाइन आगे तक एक इंची होनी चाहिए। अगर हमें छोटी लगानी है, रेड्यूस करना है, तो उसमें हम पुश लगाएंगे। समझ में आ गया, इससे कोई समस्या? बुश लगाएंगे, बुश लगाएंगे तो उसका एक इंची का डाया फ्लैंज के अंदर सेट हो जाएगा, आधा इंची या एक इंची है वो इस बुश के अंदर सेट हो जाएगा। उसके बाद में हम फ्लैंज के अंदर लगाएंगे हम चेक वाल। का मतलब होता है उसके अंदर पानी हमेशा भरा रहेगा। चेक वाल होता है नॉन रिटर्न वाल का मतलब होता है उसके अंदर पानी घुस जाएगा लेकिन उसके अंदर से वापिस नहीं आ सकता उसी रास्ते से, ठीक है ना। चेक वाल का मतलब समझ गए। उसके बाद आते हैं ऊपर हमारा एयर नट होता है, ये होता है एयर नट। जब मोटर के अंदर पानी उतर जाता है या पानी उठाती नहीं है मोटर, तो इसमें पानी डाल के एयर नट के द्वारा से हमें मोटर की एयर को निकालते हैं। समझ पाया, एयर को निकालेंगे तो मोटर के अंदर जब पानी खींचेगा, वैक्यूम बनाएगा, तो प्रेशर से पानी खींच के वो उसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज मतलब पानी की आउटलेट लाइन के द्वारा टंकी को भरेगा, पानी में होद को भरेगा, या किसी बाल्टी में भरेगा, या किसी ड्रम में भरेगा, वो आउटलेट लाइन के द्वारा उस आउटलेट लाइन को हम डिस्चार्ज करेंगे। समझ में आ गया, डिलीवरी लाइन बोलते हैं। डिलीवरी का मतलब तो सब लोग समझते हो ना, क्या होता है, बाहर निकलना। जैसे किसी की कोई घर में डिलीवरी बोलते हैं, हमारी भाभी को डिलीवरी है, हमारी चाची को डिलीवरी है, या हमारी मैडम को डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है बाहर आना, ये बच्चा पैदा होना है। तो इसी तरह से ये क्या करेगा डिलीवरी, इस डिलीवरी से हमारा पानी बाहर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये पूरा जो हिस्सा होता है ये होता है पंप, इसे बोलते हैं हम पंप, और इसे बोलते हैं मोटर। ये मोटर जब चलेगी, इसमें जब शाफ्ट रूटर घूमेगा, तो उस रूटर के साथ में इसमें होता है क्या, एम्पेलर। वो एम्पेलर घूमेगा, एम्पेलर घूमेगा तो वैक्यूम बनेगा, वैक्यूम बना के प्रेशर के साथ में डिलीवरी करेगा, डिस्चार्ज करेगा लाइन। समझ में आ गया पूरी तरह से, कोई समस्या? जब हम मोटर के पास में आते हैं तो सबसे पहले आती है हमारे पास बॉडी। ये एल्यूमिनियम की बॉडी बनी होती है, इसके अंदर कॉपर की बाइंडिंग होती है, उसके अंदर रूटर होता है, रूटर के साथ में शाफ्ट होती है, शाफ्ट घुमाती है हमारी इंपेलर को। जब हमारा ये मोटर गर्म होती है तो मोटर को ठंडा करने के लिए नीचे पीछे इसके फैन लगाया है। फैन जब चलेगा तो मोटर खाली चलाते हैं तो मोटर गर्म हो जाती है, लगातार कई देर चलेगी, ज्यादा समय तक चलती रहेगी तो मोटर गर्म होगी तो उसकी वायरिंग फूक जाएगी, इसलिए पीछे फैन लगाया है। फैन के ऊपर कवर लगाया है ताकि इसके साथ में किसी के कपड़े वगैरह ना आए, इसमें कोई कचरा वगैरह ना जाए, मोटर जाम ना हो, गर्म ना हो, ठीक है ना, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए हमने कवर लगा दिया है। जब हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी है तो इसके साथ में हमने हैंडल भी लगा दिया है, इसे बोलते हैं हैंडल। जब मोटर चलाएंगे तो एकदम पावर चाहिए हमें मोटर को घुमाने के लिए, तो उसके साथ में हमने ये लगा दिया कंडेंसर, कैपेसिटर भी बोलते हैं इसे, कंडेंसर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, बिजली को स्टोक करेगा। जब हम बिजली चलाएंगे पंप को तो एक साथ अल्टरनेटर करंट और इस कंडेंसर का करंट चल के तुरंत मोटर अपना रिमूव करने स्टार्ट कर देती है। जब मोटर के आरपीएम होते हैं तो एक सेकंड में 2800 आरपीएम होते हैं इसके, एक सेकंड में 2800 आरपीएम होते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? जब मोटर को लगाएंगे तो इसको फाउंडेशन बनवाएंगे, चाहे हम पटरी बनाए, चाहे कोई ऊंचा चबूतरा बनवाए, उसमें नटबोल्ट लगा करके उसको जाम कर दें। जब भी मोटर लगाएंगे तो दोनों तरफ यूनियन जरूर लगाएंगे,
क्योंकि मोटर कई बार खराब हो जाती है तो हमें मोटर को खोलना पड़ता है। खोलेंगे तो हर बार हमने यूनिट नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, लाइन को काटना पड़ेगा। काटेंगे तो फिर क्या होगा, बार बार फिर इसमें यूनिट लगानी पड़ेगी, काट के जोड़ेंगे कैसे, नहीं तो फिर यूनियन के माध्यम से ही, यूनियन का मतलब होता है यूनियन इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल है। दो पाइपों को अस्थायी रूप से जोड़ देते हैं यूनियन, जब खोलेंगे तो खुल जाएगा, जब बंद करेंगे तो बंद कर देंगे। इसी के साथ आपको मोटर के पार्ट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज हमने दे दी। इसके साथ थैंक यू।